दरखास्त की खास पेशकश में बिलाल अहमद टुडे तक न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिरोजपुर देखा पहुंचे हैं वार्ड नंबर 3 में। हम आपको बता दें यहां पर एक तौफिक नाम का जो एडवोकेट है पहले जो नावली गांव से बिलोंग करता है और यहां पर काफी समय से रह रहा है। किसी काम से जो है कल ये बता रहा है किसी काम से ये जा रहा था जो अपने घर से करीब जो है काफी पैसे लेकर जा रहा था तो रास्ते में 4 युवक पहले से ही ताक लगाए बैठे रहते हैं और इस पर जो है निकलते समय जानलेवा हमला कर देते हैं। यहां तक इससे नकदी मोबाइल लूट लिया जाता है। हालांकि पीड़ित हमारे साथ है, ये बताएंगे आखिरकार कब की ये घटना और क्या हुआ था। क्या नाम है जी आपका? मैं तौफीक अहमद नावली से। अच्छा, मेरा यही मकान है वार्ड नंबर 3 में। कब से रह रहे हो आप यहाँ? मैं यहाँ पिछले 2 साल से लगभग मेरा अपना मकान है। वैसे मैं फिरोजपुर जिले का मेरा इनकम टैक्स GST का कंसल्टेंट का काम है, यही मेरा ऑफिस है। जी जी। तो कल शाम को मैं 5 बजे के लगभग बाजार किसी काम से जा रहा था, क्योंकि असर की नमाज का वक्त हो रहा था, मैं नमाज भी पढ़ लूँगा और बाजार का कोई काम था, मुझे वहाँ जाना था सुनार के पास। गाड़ी बाहर सड़क पर खड़ी थी, क्योंकि रहती तो यहीं पे, लेकिन वो रास्ते नाला बन रहा है हमारे यहाँ, उसकी वजह से गाड़ी दूर खड़ी थी। तो मैं यहाँ से अपने निकल के जा रहा था, फिर तो घर से ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर दूर जाके 4 लड़के खड़े थे, जिनमें एक तो जफरुद्दीन सनफुलद्दीन, एक राजू सनफुलद्दीन, 2 को मैं नहीं जानता। वो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिया और हमला करने के बाद उनके जेब में जो पैसे रखे थे वो निकाल लिए, एक मोबाइल छीन लिया। छीनने के बाद जब मैंने उनका विरोध किया तो मेरे कपड़े वपड़े फट गए और वो कुर्ता पहना हुआ था मैंने कल, वो फट गया और उन्होंने मेरे ऊपर पत्थर से वार किया, मैं बेहोश होकर वहाँ के गिर गया। जब गिरने के बाद मेरे पड़ोसी जो लोग थे वो आए, उन्होंने देखा, जब वो आ गए तो उन्होंने क्या नाम जान से मारने की धमकी दी। एक आगे भी तुम कोई कानूनी कार्रवाई करते हो तुम कानूनी कार्रवाई। करीब कितने पैसे की लूट हुई आपके? 70,000 रुपये थे, मुझे सुनार को देने थे वो जाके, और क्या नाम है उन्होंने 70,000 रुपये छीन लिए, एक मोबाइल छीन लिया। अच्छा, दूसरा जो मेरा मोबाइल था वो कहीं साइड में गिर गया, वो पड़ोसियों ने फिर घर पे भिजवाया मेरे पे। बाद में एक मोबाइल मेरा मिल गया है, एक मेरा अभी तक नहीं मिला है मोबाइल, उनके पास ही है। तो शिकायत आपने दे दी है? हाँ, मैंने सिटी चौकी में अपनी दरखास्त दे दी है और मुझे यहाँ चोट आई है। मैं कल माडीखेड़ा लाफिया हॉस्पिटल में गया था, वहाँ जाके मैंने अपनी MLR कटवाई और उन्होंने एक्सरे के लिए मुझे एडवाइस किया है क्योंकि इसमें दर्द है। अभी क्या नाम है मैं माडीखेड़ा गया था तो वहाँ पे कारणवश एक्सरे हो नहीं रहे। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो? मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करता हूँ, दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जो मेरे 70,000 रुपये नकदी है वो और एक मोबाइल वो बरामद करके मुझे दिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति की ना कोई किसी से रंजिश हुए, अपना यानी कि काम धंधा यहाँ पे करता है, जो है यहाँ सारा कुछ देखता है अपने घर पर, ये जो जिसका काम है वो यानी कि अपने काम से पैसे लेकर सुनार की दुकान तक यानी कि यहाँ से पैदल क्रॉस करता है और दिन दहाड़े ही, मैं तो कहूँगा कि दिन दहाड़े जो 4 व्यक्ति पहले से ही ताक में बैठे रहते हैं, 2 व्यक्ति की ये जो पहचान कर लेता है, 2 व्यक्तियों की पहचान नहीं होती, इन पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है, बल्कि 70,000 रुपये सहित एक मोबाइल लूट लिया जाता है। हालांकि पीड़ित ने फिरोजपुर जिला सिटी चौकी में इसकी शिकायत दे दी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस पर किसी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं किया है। हालांकि पीड़ित बार बार फिरोजपुर झिरका पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है तथा मामला दर्ज करने के साथ साथ में आरोपियों की सिर्फ गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ इनका सामान बरामद करने की गुहार लगा रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये जो बंदे हैं जिन्होंने मेरे साथ वारदात को अंजाम दिया है, ये शराबी और गांजा वांजा वगैरह है, मतलब ये एक बदमाश टाइप के लोग हैं। और मेरा क्या है कि ये यहाँ के लोकल हैं, यहीं के हैं, ये ढोंड गांव से हैं और कोई भी इनके अब से पहले भी कई बार शिकायत इस तरीके की पुलिस उसमें जा चुकी है। तो इन्होंने इस चीज़ को देखते हुए ये कहा भी है मेरे को कि भाई तू यहाँ अकेला रहता है, हम यहाँ के लोकल हैं और हम जो भी बाहर किसी गाँव से पलायन करके शहर में आके रह रहा है सबकी जान को खतरा है ऐसे लोगों से। और मैं तो प्रशासन से यही उम्मीद करता हूं और यही मेरी दरखास्त में अपील है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और मेरे सामान मोबाइल में केस की बरामदगी।